नमस्ते। इस वीडियो में हम ये जानेंगे कि ऑस्टियोसार्कोमा क्या है और उसमें उसका वर्कअप कैसे होता है और उसका ट्रीटमेंट किस तरह से होता है। मैं हूं डॉक्टर चेतन अंचन। मैं एक ऑर्थोपेडिक ऑन्कोसर्जन हूं। मैं पिछले 18 सालों से इसी फील्ड में काम करते आ रहा हूं। मेरा स्पेशलिटी है ट्रीटमेंट ऑफ बोन ट्यूमर्स एंड सॉफ्ट टिश्यू ट्यूमर्स। ऑस्टियोसार्कोमा ये एक बहुत ही रेयर फॉर्म ऑफ कैंसर है जो बोन में बनती है। फिर भी जब हम बोन कैंसर के बारे में बात करते हैं उसमें ये बहुत एक कॉमन कैंसर माना जाता है। सो अमॉन्ग बोन कैंसर्स ऑस्टियोसार्कोमा एक कॉमन कैंसर है। हालांकि बोन कैंसर इट्सेल्फ इज़ अ एक्सट्रीमली रेयर डिजीज़ है। हड्डियों में कैंसर बहुत ही कम परसेंटेज में बनता है। ऑस्टियोसार्कोमा इज़ अ डिजीज़ ऑफ यंग पेशेंट्स, मतलब ये बहुत ही कम उम्र के लोगों में होता है। सबसे कॉमन एज ग्रुप है बिटवीन 10 एंड 20। 10 साल के नीचे वाले एज में भी ये हो सकता है, लेकिन सबसे ज़्यादा कॉमन एज ग्रुप है 10 to 20 years। लेकिन 20 years के बाद भी अप टू 25 years तक भी ये बीमारी आ सकती है। इसमें और एक सेकेंड पीक दिखाई देता है व्हेन यू गो, और इसका जो स्टैटिस्टिक जब देखते हैं तो अराउंड 10% ऑफ केसेस 60 साल की उम्र के आसपास भी होता है। ये सबसे कॉमन घुटनों के पास पाया जाता है बॉडी में, सो अराउंड द नी जॉइंट जो बोलते हैं, लोअर पार्ट ऑफ थाई बोन या फीमर बोन जो बोलते हैं, या अपर पार्ट ऑफ लेग बोन या टीबिया, ये सबसे कॉमन लोकेशन है। इसके अलावा ये शोल्डर एरिया में भी आ सकता है, अपर पार्ट ऑफ आर्म बोन या ह्यूमरस जिसको बोलते हैं, सिमिलरली अपर पार्ट ऑफ थाई बोन या फीमर बोन, हिप जॉइंट के आसपास वहाँ पे भी ये कॉमनली आ सकता है। इसके अलावा ये बाकी सारे हड्डियों में भी आ सकती है, लेकिन वहाँ पे उसका इंसिडेंस थोड़ा कम रहता है। सिमिलरली ये पेल्विस जो हमारे हिप एरिया का जो बोन है या स्पाइन में भी आ सकता है। इस बीमारी का एक सवाल हर पेशेंट के मन में रहता है कि मुझे हुआ क्यों है, इसका कोई कारण है क्या। सो स्पेसिफिकली इस बीमारी का कोई कॉज नहीं है, ये किसी को भी हो सकता है। द ओनली रिस्क फैक्टर इज़ एज ग्रुप, जो यंग एडल्ट्स में ये पाया जाता है, बट इसका कोई स्पेसिफिक कॉज नहीं है। मतलब इसको आने से आप रोक नहीं सकते थे, क्योंकि इसको होने के लिए कोई पर्टिकुलर रीज़न नहीं है। तो इस बीमारी का सिम्टम्स क्या है? इस बीमारी का सिम्टम्स टिपिकल है जो हर बोन ट्यूमर में होता है, दैट इज़ पेन या दर्द, और दूसरा सूजन या स्वेलिंग। ये सबसे कॉमन प्रेजेंटेशन है, पेन एंड स्वेलिंग। किसी किसी को पेन पहले होता है और किसी किसी में स्वेलिंग पहले दिखाई देता है, बट जनरली ये दोनों चीज़ कभी ना कभी होने ही वाला है। सो इट मे स्टार्ट विथ पेन और आगे जाके सूजन दिखाई दे, या किसी किसी में पहले सूजन दिखाई देता है और बाद में पेन आना शुरू हो जाता है। और इसके साथ ही उस अंग का या उस लिम का फंक्शन में भी प्रॉब्लम दिखाई देता है। मतलब जब आप चलते हो तो आपको पूरी तरह से या सीधी तरह से चलने में दिक्कत आ सकती है, दर्द की वजह से हो सकता है या जॉइंट के मूवमेंट के लिमिटेशन की वजह से हो सकता है। सिमिलरली अगर वो कंधे के पास हो या एल्बो जॉइंट के पास हो तो वहाँ पे आपको उस जॉइंट का मूवमेंट या उस हाथ का फंक्शन में दिक्कत महसूस हो सकती है। अगर ये पीठ के हड्डी में, रीढ़ के हड्डी में या पेल्विस में हो तो आपको लो बैक पेन या बैक पेन या कमर का दर्द, ये सारा चीज़ आ सकती है। कोई कोई पेशेंट्स में ये हड्डी को इतना डैमेज कर सकता है कि उसमें फ्रैक्चर भी होने का डर है। अगर उस अंग पे ज़्यादा लोड गिर गया या थोड़े से हल्का सा मार लग गया तो आपका बैलेंस छूट गया तो ये हड्डी कमज़ोर होने की वजह से टूट भी सकती है। तो इसे कहते हैं पैथोलॉजिकल फ्रैक्चर। तो इस वीडियो में हम ये जानें कि ऑस्टियोसार्कोमा का सिम्टम्स और डायग्नोसिस कैसे होता है। आपके मन में और कोई सवाल है तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में सवाल पूछ सकते हैं या आप हमें ईमेल कर सकते हैं और हम हमारी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे इस सवालों का जवाब देने का। धन्यवाद।